गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा अष्टम इससे सामाजिक अध्ययन टॉपिक आपका चल रहा था भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, और इसमें हमने भू उपयोग के बारे में देख रहे थे, भूमि के बारे में जाना, भूमि के उपयोग के बारे में जाना। उसी कड़ी में आज हम इसमें देखेंगे अगला टॉपिक है मृदा। मैंने यहाँ टॉपिक बनाया है मृदा, उसमें देखेंगे आप कि पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है, यानी कि जो ऊपर की उर्वरा भूमि हमें दिखाई देती है धरातल पे, हम उसको ही मृदा नाम से जानते हैं। आगे और लिखा है कि मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पास जाने वाले खनिजों से होता है, अर्थात जो खनिज तत्व हैं उस क्षेत्र में पाए जाने वाले वही उस भूमि के मानकों को निर्धारित करते हैं। यहाँ की मृदा वहाँ के उपलब्ध खनिजों पर आधारित होती है। विशेष रूप से इसमें अपक्षय एवं निक्षेपण की क्रिया प्रभावी रहती है। जैसे आप जानते होंगे कि अपक्षय की क्रिया के परिणाम स्वरूप चट्टानें अपने ही क्षेत्र में टूटती फूटती हैं और वहाँ से ऊपरी भागों से नीचे की ओर आ जाती हैं, और इस प्रकार की जो क्रिया चट्टानों का टूटना फूटना सिकुड़ना और नीचे की ओर आ जाना पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है, ऐसी क्रिया को हम अपक्षय कहते हैं। और उसके बाद फिर क्रिया सुचारू होती है निक्षेपण की, अर्थात वह चट्टानें धूल कणों के रूप में निर्मित हो जाती है, महीन कण उसके बन जाते हैं, तो निक्षेपण की क्रिया जो है जल के द्वारा, हवा के द्वारा, पवन के द्वारा होती है। हम देखते हैं कि एक स्थान से जलराशि जो है निक्षेपित अवशेषों को दूसरे क्षेत्रों में पहुंचा देती है, पवन भी महीन कणों को उड़ा करके किसी अन्य क्षेत्र में उसका जमाव कर देती है। तो ये अपक्षय और निक्षेपण किसी भी मृदा के निर्माण के प्रभावी कारक होते हैं। तो इस तरह से मृदा का निर्माण होता है। हम देखेंगे कि विशेष रूप से भारत में जो मृदा का वर्गीकरण है उस पर आज विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो हम देखें तो सबसे सर्वाधिक प्रतिशत जो भारत में मृदा देखने को मिलती है वह है आपका जलोढ़ मृदा क्षेत्र, विशेष रूप से 33% भाग इसका है। तो हम देखते हैं कि जो भारत की प्रभावगामी नदियां हैं सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उनके निक्षेपों या अवसादों से बने जो मैदानी क्षेत्र हैं उन मैदानी क्षेत्रों में हमें जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। और विशेष रूप से इसमें नवीन जलोढ़ खादर और पुरातन जलोढ़ बांगर, पुरातन जलोढ़ बांगर मृदा देखने को मिलती है, अर्थात जो पुरातन जलोढ़ बांगर मृदा है ये ऊंचे भागों में मैदान के ऊंचे भागों में देखने को मिलती है। यहाँ जो प्रभावित जल है नदियों का वह इन क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाता, मोटे कणों के रूप में यहाँ भूमि मृदा हमें दिखाई देती है और यह कृषि कार्यों के अयोग्य होती है। और विशेष रूप से हम देखें नवीन खादर जलोढ़ मृदा का प्रारूप, तो ये नदियों के किनारे जहाँ प्रतिवर्ष नदियाँ जहाँ निक्षेपों को ला करके बिछा देती हैं, नवीन मृदा का सर्जन वहाँ होता रहता है, महीन मृदा कण होते हैं और जल की उपलब्धता भी यहाँ सुनिश्चित होती है, तो यह कृषि के योग्य मृदा होती है। तो ये है आपका जलोढ़ मृदा का क्षेत्र और उसके प्रकार के बारे में हमने चर्चा की। साथ ही हम बात करें इसके भारत में इस मृदा के क्षेत्रों की, तो विशेष रूप से जैसे मैंने आपको बताया था कि सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के निक्षेपों पर यह मृदा आधारित है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के निक्षेप क्षेत्र इसके अधीन आते हैं, यहाँ ये मृदा हमें देखने को मिलती है। विशेष रूप से भारत का जो मैदानी भूभाग है उन क्षेत्रों में यह जलोढ़ मृदा हमें देखने को मिलती है। अगले प्रकार की बात करें तो आपका है काली मृदा का क्षेत्र, नंबर 2 हम देख सकते हैं काली मृदा का क्षेत्र। काली मृदा की बात करें तो विशेष रूप से ये मध्य प्रदेश,
महाराष्ट्र और गुजरात के भूभाग पर देखने को मिलती है और इसे हम रेगर मृदा के नाम से भी जानते हैं। इस मृदा का निर्माण विशेष रूप से ज्वालामुखी के उद्गार के बाद जो लावा निकलता है, उस लावे के ठंडे होने के बाद जो भूपृष्ठ देखने को मिलता है वह काली मृदा का होता है। अर्थात भारत में जो दक्कन क्षेत्र है वह दक्कन ट्राइब के समय उस मृदा का निर्माण हुआ था। दक्कन ट्राइब के समय भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो लावा निकला और बाद में वह लावा सूख करके काली मृदा के रूप में परिणित हो गया। जो तीन राज्य मैंने इससे पहले आपको बताए थे वह इस मृदा के क्षेत्र हैं। ऐसे ही अगला बात करें हम लाल मृदा की, तो लाल मृदा यह मृदा आग्नेय सरोवर के नीस से बनी है। अर्थात नीस का मतलब होता है आपके कि जो अवसादी चट्टाने हैं या आग्नेय चट्टाने हैं एक लंबे समय के बाद वह जीर्ण शीर्ण हो जाती हैं। उसका जो ऊपरी आवरण है वह निक्षेपण के द्वारा बह जाता है या उड़ जाता है, तो परिणाम स्वरूप जो आंतरिक ठोस आवरण होता है वह दिखाई देता है, उसको हम नीस कहते हैं। तो ये लाल मृदा का जो क्षेत्र है वह नीस प्रधान क्षेत्र है। अर्थात जो आग्नेय चट्टाने हैं उनके लंबे समय की प्रक्रिया के बाद कायांत्रित रूप जो सामने आया, उस कायांत्रित के अवशेष इस लाल मृदा क्षेत्र में नीस जो है इस लाल मृदा क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। विशेष रूप से यह मृदा हमें तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा आदि राज्यों में देखने को मिलती है। कर्नाटक गोवा आदि राज्यों में यह मृदा हमें लाल मृदा हमें देखने को मिलती है। बस आज के लिए इतना ही, इसके बाद इसका जो शेष भाग है अगले वीडियो में बताएंगे।